दोस्तों, जैसे ही नताशा स्टोन को विक ने सोशल मीडिया के अकाउंट से हार्दिक पांड्या का सरनेम अपने नाम के आगे से हटाया है, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। सुनने में आ रहा है कि हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच तलाक वाली नौबत आ गई है, जबकि इस बात की पुष्टि पूरी तरह नहीं हुई है कि सच्चाई क्या है। अभी ये बात सस्पेंस में है, लेकिन नाम के आगे से सरनेम हटा लेना और सरनेम हटाते ही अपने किसी नए आशिक के साथ, अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमना, फोटो पोस्ट करना, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अनबन जरूर है, जिसका परिणाम बुरा ही होने वाला है। सुनने में आ रहा है कि हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, जिसकी वजह से वह एक दूसरे से कई महीनों से दूर हैं। दोस्तों, जब 2020 में हार्दिक पांड्या और नताशा की शादी हुई थी तो हार्दिक पांड्या की खुशी देखते ही बनती थी। वह इतने ज़्यादा एक्साइटेड और इतने ज़्यादा खुश थे कि आपको क्या ही बताया जाए। उनकी खुशी का अंदाज़ा आप एक छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि शादियों में जूता चुराई का रस्म होता है और साली अपने जीजा से उस जूते के बदले कुछ पैसे लेती हैं, फिर वह जूता देती हैं। तो ऐसे ही हार्दिक पांड्या की भी शादी में हुआ। उनकी साली ने जूता चुराया और हार्दिक पांड्या से जूते के बदले में 1,01,000 रुपये का डिमांड किया। तो हार्दिक पांड्या बोले, 1,00,000 नहीं, मैं 2,00,000 नहीं, मैं 5,01,000 रुपये देता हूँ। तो उस जूते के बदले में हार्दिक पांड्या अपनी साली को 5,01,000 रुपये इनाम देते हैं। अरे तू बोलना, कितना चाहिए? 1,01,000 रुपया, 2,00,000, 5,01,000 रुपये। दोस्तों, अगर नताशा और हार्दिक पांड्या के बीच तलाक होता है तो यह बुरा होगा, लेकिन अगर पत्नी सही ना हो, पैसों की भूखी हो, तो कोई भी हस्बैंड उसे खुश नहीं कर पाएगा। वह एक को छोड़कर एक को पकड़ती रहेगी, बेहतर से बेहतर की तलाश करती रहेगी। तो मेरे ख्याल से ऐसी पत्नी से दूर हो जाना ही बेहतर है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर हार्दिक पांड्या नताशा को तलाक देते हैं तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा नताशा को देना होगा, क्योंकि नताशा 70% हिस्से का डिमांड कर रही हैं कि अगर तलाक होगा तो मुझे आप अपने प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा देंगे। तो इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि हार्दिक पांड्या भी कमाल के निकले हैं। उन्होंने पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर रखा है और उनके नाम से उनके अकाउंट में जो भी कुछ बचे कुछ पैसे होंगे और जो भी गाड़ियाँ वगैरह होंगी, वही उसी का 70% हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नताशा के हाथ लगने वाला है नहीं, लेकिन नताशा ने दिमाग बहुत अच्छा लगाया था कि कुछ करना भी ना पड़े और इसकी बरसों की कमाई क्षण भर में अपने जेब में रख लिया जाए। क्या आइडिया लगाया था उसने, शादी भी कर लिया, एंजॉय भी कर लिया और प्रॉपर्टी का 70% रख लिया बिना कुछ किए ही। लेकिन हार्दिक पांड्या भी गुजराती हैं तो दिमाग लगाया उन्होंने, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर रखा है तो उनकी मम्मी के अकाउंट से या उनकी मम्मी के नाम जो प्रॉपर्टी है उसमें से तिनका भर उन्हें नहीं मिलने वाला है, जो हार्दिक पांड्या के नाम से है उसी में मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से वही करीब 2-4-10 लाख जो भी उनके अकाउंट में बैलेंस होगा और कुछ गाड़ियां जो होंगी वो उसी का 70% होगा। तो कुछ खास निकल के जाएगा नहीं नताशा के अकाउंट में, उनका सारा जुगाड़ लगाया हुआ फ्लॉप हो गया। तो आप हार्दिक पांड्या के इस मास्टरमाइंड के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो अगर उनका मास्टरमाइंड आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सिद्धानंद।